तो हेलो वेलो, तो कैसे हो सारे? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। और आज हम फिर खेलने वाले हैं लास्ट लैंड ऑफ सर्वाइवल। और आज हम बनाने वाले हैं गाइस आर्मर, जो कि अपना एनर्जी आर्मर होने वाला है। तो देखते हैं उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसको फिर रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो उसको रिपेयर करने का थोड़ा सा ट्रिक, मतलब जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। उसको रिपेयर आप नॉर्मली नहीं कर सकते, अपने एडवांस वर्क पेज में आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है नॉर्मली। तो उसके लिए हमको बहुत सारे दो चीज़ें चाहिए, जैसा है कि अपना रिएक्टर जो अपने को एनर्जी देगा भारी मात्रा में, और दूसरा है एनर्जी आर्मर जो लिखा है नीचे थर्ड नंबर पे आप देख रहे हो। तो ये वाला डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला डिवाइस, ठीक है। इस डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा तभी आप अपना आर्मर जो है उसको जो है ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये डिवाइस, ये रहा अपना रिएक्टर, और इसमें पहले फ्यूल डालते हैं। फ्यूल मतलब एनर्जी सोर्स डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी सोर्स डाल देते हैं थोड़ा सा, 100 काफ़ी आएगा फिलहाल तो। और अब यहाँ पे इस डिवाइस पे भी अपने को फ्यूल देना पड़ता है, ठीक है, मतलब सोर्स देना पड़ता है। अभी देखो आयरन जैसा अपना सूट बनाता है, ठीक उसी तरह अपना भी सूट बन रहा है गाइस। तो अपन भी एवेंजर में बहुत जल्दी जाने वाले हैं, एवेंजर्स में भर्ती होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मेरा सूट बन रहा है गाइस, लिटरली मतलब एकदम एवेंजर्स वाली फीलिंग आ रही है, तो मज़ेदार है, ठीक है। तो एकदम राउंड अप में घूमता है, ठीक है। वो पहले मतलब हेलमेट बनाएगा, फिर अपना जो आर्मर बनाएगा, फिर पैंट बनाएगा और फिर लेग, ठीक है। तो ऐसे लाइन से घूमते हुए आएगा और बढ़ाता जाएगा। तो बंद क्यों हो गया चिमकंडी? फ्यूल ख़त्म हो गया गाइस, सोर्स ख़त्म हो गया इसलिए बंद हो गया था। और ये बहुत ज़्यादा सोर्स कंज्यूम करता है, ठीक है। और ये वाला आर्मर सबसे हेवी आर्मर है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक आपका जो HP है मतलब ऑटोमेटिक हील हो जाता है, ठीक है। ये वाला आर्मर पहनोगे ना तो ऑटोमेटिक आप हील हो जाते हो, तो इसलिए गेम वालों ने इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वाला एक चीज़ दे दिया है मशीन, जिससे आप इसी को अंदर मतलब इसके अंदर आप डालोगे तभी आप रिपेयर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो चीज़ अच्छा दिखने में तो मस्त लग रहा है, ठीक है। काम भले ही मतलब परेशानी वाला हो, लेकिन मज़ेदार है इसको एकदम देखने में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में नॉर्मली। और यहाँ पे गाइज एक और बात है कि ये है सोशल सर्वर, क्योंकि इतनी तैयारी रैंक में करना लगभग मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल बोल रहा था मैं, मुश्किल नहीं है। देखो फिर सोर्स ख़त्म हो गया, 34 के आसपास मैंने भी सोर्स दिया था, अभी फिर 500 पूरा दे देता हूँ, देखता है कितना लगता है। और स्टार्ट हो चुका है फिर से। यहाँ पे इसका हेल्थ ठीक है, ग्लिच है, ग्लिच मतलब ग्लिच नहीं है, अपना नेटवर्क ही ख़राब है, ग्लिच बेकार है, ग्लिच बोलना ख़राब हो जाएगा इस, क्योंकि अपने यहाँ पे जो टावर है वो कल से ख़राब चल रहा है, ठीक है। कल से आप अभी तक मैं फ्री फायर तक नहीं खेल पाया, तो क्या बोले अब। यहाँ पे लिटरली अपना जो पैंट है वो नॉर्मली बनने वाला मतलब रिपेयर होने वाला है। अब इसको आप नॉर्मली बॉम्ब मैंने ना क्या बोलते हैं डैमेज देने के लिए बॉम्ब फोड़ दिया था, ठीक है, अपने ऊपर बॉम्ब फोड़ लिया था, उसके बाद में डैमेज हो गया, उसके बाद उसको रिपेयर कर रहा हूँ। और इसको आप जो है एडवांस वर्क बेंच में रिपेयर नहीं कर सकते, इसको रिपेयर करने के लिए बस यही डिवाइस यूज़फुल है, बाकी और कहीं पे आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते। और दूसरा कोई आर्मर आप इस डिवाइस पे रिपेयर तक नहीं कर सकते, बस एक ही डिवाइस के लिए मतलब आर्मर के लिए आपको ये डिवाइस बनाना पड़ेगा, इतना तामझाम करना पड़ेगा। देखो ये वाला सोर्स जो रिफाइनिंग डिवाइस है उसको भी आप बनाना पड़ेगा, अगर आपके पास सोर्स नहीं होगा तो, ठीक है। इसे सोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो आपको बनाना ही पड़ेगा चाहो और ना चाहो, तो क्या करें अब। तो यह है पहला पार्ट, ठीक है। और कौन से बॉम्ब से कितना डैमेज आता है तो उसके टेस्टिंग में मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करूँगा, ठीक है। तो उसके ऊपर इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों। और यहाँ पे देखो गाइस सब में डैमेज है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मैं एक को उतार लूँगा, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या हाल है कि नहीं, हम कर सकते हैं कि नहीं इसको रिपेयर, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने भी चीज़ आपको दिख रहे हैं सब कुछ दिखेगा, लेकिन आर्मर नहीं दिखेगा, जो अभी हेलमेट मैंने भी खोला है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी, और बाकी जितने भी आपको दिख रहा होगा सबकी ड्यूरेबिलिटी फुल है, इसलिए वो रिपेयर का ऑप्शन नहीं देगा उसमें। और बाकी ये तो अपने को दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या है बोले अब, इसमें हेल्थ भी चला गया, क्योंकि मैंने देखो बहुत बार बॉम्ब टेस्टिंग किया अपने ऊपर, तो चेक करने के लिए कि क्या मैं नॉक होता हूँ और कितना जो है डैमेज पड़ता है अपने आर्मर पे, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत सारे बार बॉम्ब फोड़े हैं अपने ऊपर टेस्ट के लिए। और रिएक्टर गाइस थोड़ा
थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये जो ना कम सोर्स यूज़ करता है, ठीक है, मतलब लेता है, और बाकी ये वाला जो डिवाइस है ना ये ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। इसमें भी नहीं है, देखा, इसमें भी नहीं है सोर्स। चलो इसमें और डाल देते हैं, 120 काफ़ी होंगे फिलहाल के लिए। और बेस्ट को उतार लेता हूँ, फिर जो अपना आर्मर है उसको उतार लेता हूँ यार। बस देखा, बस एक ही आर्मर को ये रिपेयर कर सकता है उसको, और किसी आर्मर को रिपेयर नहीं कर सकता है डिवाइस। और यहाँ पे चलो हो गया, अभी इसको फटाफट कर लेते हैं स्टार्ट। चलो रिपेयरिंग स्टार्ट हो गया। देखो जैसे एवेंजर में आयरन मैन का जो सूट बनता है ना रिपेयर होता है, ठीक उसी तरह से रिपेयर हो रहा है। ठीक है, ये मज़ेदार है एकदम, देखने में मस्त लग रहा है। जैसे मैंने इसीलिए किया है, ठीक है, ये मतलब देखने के लिए, और आपको पता है कि नहीं, इसीलिए मैंने सोचा चलो वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं तो शायद किसी के काम आ जाए। तो ठीक है, तो देख लो। और वैसे ये आर्मर काफ़ी कम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये रैंक खेलोगे तो शायद नहीं बनाओगे, और सोशल खेलोगे तो बनाते ही रहोगे, लेकिन इसको रिपेयर कोई नहीं करता। रैंक खेलेगे तो एक बार रिपेयर कर सकते हैं। सोर्स यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा जनरेटर को बंद करते हैं यार, फ्यूल निकाल लेते हैं। देखो अपना आर्मर का जो है बन रहा है, ठीक है, आर्मर रिपेयर हो रहा है, क्या मस्त चीज़ बनाया है गेम वालों ने। और सबसे अगर आपके बैग में सारे के सारे आर्मर होंगे ना, जितने भी तरह के आर्मर है, सभी आर्मर होने के बाद अगर आप इक्विप पर क्लिक करोगे ना तो आपको बस यही आर्मर आएगा, ठीक है, अपने पहन पाओगे, बाकी दूसरा कोई भी आर्मर नहीं आएगा अपने ऊपर, मतलब ऑटोमेटिक इक्विप हो जाता है। मतलब ये सबसे हाई लेवल का आर्मर गेम वालों की तरफ से मतलब मानना है उनका, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये ना डैमेज हो जाता है, ठीक है, मतलब बॉम्ब वगैरह से ना इसमें डैमेज ज़्यादा होता है इसका, मतलब जल्दी टूटता ही है। और जो अपना टाइटेनियम वाला है और दूसरे हैं उसमें थोड़ा कम डैमेज पड़ता है, मैंने ऐसा नोटिस किया है, बट ये ऑटोमेटिक हील हो जाता है तो इसलिए अच्छा है। और भी कुछ खासियत है इसकी तो इस वीडियो में बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि वीडियो छोटा पड़ जाएगा, 10 मिनट का वीडियो है, बट इस मतलब एलडीआर में थोड़ा सा 10 मिनट का वीडियो भी छोटा ही लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो है लॉन्ग टाइम पीसेस वाला गेम है, ठीक है। तो देखो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ, इस सब से तक थोड़ा सा बचा हुआ है गाइस, थोड़ा सा सोर्स डालना पड़ेगा। देख आप ध्यान से देखोगे तो कितने सारे सोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह अगर आप अपने गेम में ये आर्मर को रिपेयर करने जाओगे ना रैंक में, तो आपको बहुत ज़्यादा फार्मिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत बेकार काम है गाइस लिटरली। अब देखते हैं क्या सीन होता है और क्या नहीं। फटाफट हो चुका है सर कुछ रिपेयर अपना, और ये अपना आर्मर पहन लेता हूँ फटाफट। इक्विप पे क्लिक करूँगा, देखना, देखो मेरे पास सारे के सारे आर्मर है, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे बैग में देखो पूरा आर्मर, जितने भी तरह का आर्मर है लगभग सारे हैं, मतलब बोन और जो अपना क्या नाम है छोटा सा पहला वाला हेड का या हिंट का क्या नाम है उसको पता नहीं, तो जो भी है उसका आर्मर भी है, लेकिन वो नहीं आएगा, मतलब उसको बनाया नहीं है। बाकी जो लेवल खतरनाक के हैं, मतलब खतरनाक लेवल के जितने भी अपने पास आर्मर है, सब कुछ पहन लेने के बाद डायरेक्ट यही वाला आएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसमें HP कम है, ठीक है। और अपना टाइटेनियम में है कितना, 320 HP देता है मुझको, मतलब बिना किसी टैलेंट अपग्रेड के, ठीक है, टैलेंट अपग्रेड नहीं है, फिर भी मेरा अच्छा खासा HP दे देता है। अब C4 बना लेते हैं एक, और एक C4 में आराम से नॉक हो जाऊंगा मैं दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे पेटी पेटी है, अब देखना एक C4 में कितना डैमेज आएगा आर्मर को, उसी को टेस्ट करूंगा मैं अभी। ये चलो खत्म गाइस, तो यहाँ पे आर्मर देखते हैं गाइस क्या कितना डैमेज आया है अपना। तो एक लाइन तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन ऑटोमेटिक फील हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, देखो फील हो गया, ठीक है, ये बढ़िया है गाइस लिटरली, और ये ऑटोमेटिक फील हो जाएगा धीरे धीरे। और जो आर्मर का हेड है उसको करने के लिए आपको रिपेयर करना पड़ेगा डिवाइस के अंदर, देखिए, और बाकी दूसरा वाला जो है वो ऑटोमेटिक फुल हो जाता है, ठीक है।
तो होप करता हूँ गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और मिलूंगा किसी और वीडियो में इसका पार्ट टू में। ठीक है, बाय बाय।